10 करोड़ से अधिक की लागत के निर्माण कार्यों व सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने गोरखपुर जनपद में 10 करोड़ रुपए के अधिक की लागत से निर्माण कार्यों व सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष समाप्ति के दृष्टिगत अधिकारियों को निर्देश दिए कि धन के अभाव में कोई भी निर्माण कार्य न रोका जाए। निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति के साथ वित्तीय व्यय की स्थिति के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासकीय विभाग को आगामी 3 कार्य दिवस में प्रेषित किया जाए। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने फॉरेंसिक लैब, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्रेक्षागृह, वाटर स्पोर्ट्स, मल्टी लेवल पार्किंग, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के साथ गोरखपुर वाराणसी फोर लेन एवं अन्य सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए समस्त कार्यों को समन्वय स्थापित कर गुणवत्तापूर्ण एवं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी के विजय पांडेयन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, प्राचार्य बीआरडी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गणेश प्रसाद, संयुक्त विकास आयुक्त उग्रसेन पांडे, जीडीए सचिव राम सिंह गौतम, उप निदेशक संस्कृति मनोज कुमार, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविन्द्र मिश्र, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग एवं अन्य संबंधित मंडली अधिकारी मौजूद रहे। वित्तीय वर्ष अंत में है और हम लोगों को ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जितनी गोरखपुर जनपद की योजनाएं चल रही हैं उसमें हम पैसे के अभाव में कार्य को रोकें, और इसलिए समय समय पर जेडीसी साहब और सीईओ गोरखपुर साहब जो हैं ये आप लोगों से रिपोर्ट देंगे। हम लोग शासन स्तर पर भी भेजते रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सूचित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद भी विजिट किया था, विजिट के बाद उन्होंने मुख्य सचिव महोदय को निर्देश दिया है कि इमीजिएटली इसका जो है जनपद का गोरखपुर जनपद का रिव्यू कर लिया जाए, और क्योंकि अभी भी 10-15 दिन हमारे उसमें बचे हुए हैं वित्तीय वर्ष को अंत होने में, तो जहां पर जो पैसा नहीं आया है उसको तुरंत रिलीज किया जाए। ठीक, उस तीनों को फिर से सारी कार्यदायी संस्थाओं विभागों को दे दीजिए। वो देने के बाद आप देख लें, आप मुझे तो याद आ रहा है आज जो है वो है बेसिकली कहाँ कहाँ जो निर्माणाधीन योजनाएं हैं उसमें आपको पैसा रिलीज होना है और हुआ नहीं। फॉर एग्जाम्पल जीपीए कार्यदायी संस्था मल्टी लेवल पार्किंग की है, इन्होंने 12 करोड़ रुपए मांगा, 6 करोड़ इनको प्रॉमिस किया गया कि जितनी बस 2021 में मिल जाएगा, लेकिन वो इनको शायद नहीं मिला। तो ये उसको इन्होंने कहा है कि वो मुझे 6 करोड़ चाहिए। अब वो पैसा नहीं आएगा तो अगले 3 महीने का काम कैसे होगा, काम क्लोज कैसे होगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे जो है नगर विकास का है, नगर निगम का है, तो नगर निगम भी देखे, विभाग की भी जिम्मेदारी है, विभाग प्रशासकीय विभाग की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था से ज्यादा है, तो वो दोनों लोग आप देख लें। इसलिए जीडीसी साहब इसमें आप सर्कुलेट कर दीजिए, इनको एक दिन का समय दे दीजिए, कल हमको बुकलेट भी दिखाई देगा। सो आप जो है बेसिकली इसमें से जैसे पर्यटन के कई स्कीम के पैसे आ गए होंगे, तो जो जो आपके पैसे आ गए हैं उसको हटा दीजिए, जैसे कि 19 को रिव्यू जो उन्हीं चीज़ों पर हो, पता चला माननीय मुख्य सचिव महोदय कहें कि तो पैसा नहीं गया, वो कहें कि दे दिया, तो टाइम वेस्ट। सो आ तो वो हो गए, बा जो है बा बुकलेट चाहे वो बुकलेट है, जो योजनाएं या तो निर्माणाधीन है 80-75 जाएंगी या पूर्ण हो चुकी है, लेकिन मैन पावर, इक्विपमेंट और फर्नीचर के अभाव में क्रियाशीलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समाज कल्याण विभाग है, दर्द लगी जिससे कि हम बच्चों को वहाँ पर इमीडिएटली रखना शुरू करें, जो जो इनके समाज कल्याण विभाग में, तो ये सारी चीजें उठेंगी वहां पर, क्योंकि निर्माण सिविल कंस्ट्रक्शन हो जाने के बावजूद यदि पदों का अभाव रहता है। फॉर एग्जाम्पल FSL है यहाँ पर, आप जरा पद की कॉपी दे दीजिएगा वाली, सारे प्रयास कर रहे हैं कि आपका टाइम मिल जाए।